नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर इटावा से है। बता दें, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, तंदुरुस्त रहना चाहता है, पर कभी कभार हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इस दिशा में इटावा वासियों की सहूलियत के लिए लोटस TMT मेडिकल बस सेवा द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन वरिष्ठ समाज सेवी राम शरण गुप्ता के सौजन्य से श्री साई बाबा मंदिर कचौरा रोड इटावा पर स्थित बाबा शीतगृह में कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आए लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। साथ ही उन्हें उचित परामर्श के साथ निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। वरिष्ठ समाज सेवी राम शरण गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में उचित संसाधनों के साथ अन्य रोगों के भी इलाज की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। इस अवसर पर हरिओम गुप्ता, अमरीश बंसल, पुष्कर वर्मा, प्रेम कुमार, विनोद दीक्षित, मयंक, मंजू यादव, मनोज और भी तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, ये निःशुल्क सेवा जो बस सेवा चल रही है, इसमें पेशेंट आए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरीश बंसल। अमरीश जी, यहाँ आप किस लिए आए थे? मैं अपने दांतों को देखने आया। क्या समस्या थी आपके दांतों में? दांतों में प्रॉब्लम थी, पानी लगता था दांतों में। तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने? उन्होंने देखा है और हमको दवा लिख दी कि दी भी है? नहीं, कुछ निःशुल्क दी भी है। तो कब तक क्या बोला उन्होंने, क्या कहा आपसे? ये बोला आप प्रॉपर दवा लेते रहिए, हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रॉपर तो लेते रहिए, लेकिन अभी ये बस सेवा अभी मतलब आज है यहाँ पे, कल यहाँ से चली जाएगी दूसरी जगह, फिर आपको दवा की जरूरत पड़ी तो कहाँ जाएंगे आप? वो इनका कहना है कि अभी हम यहाँ रहेंगे शहर में अंदर, आप पता कर लीजिएगा अगला कैंप हमारा कहाँ है, तो आप मुझसे वहाँ भी संपर्क कर सकते। नंबर दिया उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी। तो बस दांत में समस्या? बस बस। किन किन अंदर किस किस किन किन रोगों का इलाज हो रहा है? ये दांतों का भी हो रहा है, आँखों का भी हो रहा है, और भी कई बताया था उन्होंने। मतलब आप यहाँ पे मशीन द्वारा चेकअप हुआ है? मशीन से। तो आप यहाँ की सेवा से संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया, तो बढ़िया सेवा है, बहुत बढ़िया सेवा है। चलिए, शुक्रिया। मैं इसको बधाई देता हूँ, ये राम शरण गुप्ता जी जो इसके आयु सौजन से उनके सौजन से किया जा रहा है। हाँ, मैं उनको बधाई देता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? यहाँ किस लिए आए थे आप? यहाँ दवाई लेने आए थे। किस चीज़ की दवाई लेने आए थे? ये मेरे कमर में और रीढ़ में दर्द होता है। कमर में? क्या बताया डॉक्टर साहब ने आपको? हमने क्या बताया, पेट ज़्यादा है और चिकनाई चिकनाई चीज़ें कम खाइएगा तो वजन कम हो जाएगा, उससे थोड़ा दर्द में आराम मिला। और मेरा बैठने का डेली का यहाँ जॉब है कोल्ड स्टोर के अंदर। क्या काम? कोल्ड स्टोर में काम करते हैं आप? तो डॉक्टर साहब ने कोई आपको ट्रीटमेंट दिया है, दवा दी है? निःशुल्क दिए कि पैसे से दिए? निःशुल्क दिए। तो क्या बताया उन्होंने, कहा कितने समय तक आपको दवाई खानी पड़ेगी? मैंने कहा अभी 10-15 दिन खाओ ये दवाई जो दी है, उसके बाद फिर मार्केट से ले लेना। और अगर दवा की ज़रूरत नहीं है, बंद करना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? किससे कंसल्ट करेंगे? डॉक्टर साहब तो आज हैं। नंबर होगा ना? नंबर होगा कि आपने नंबर लिया है? पहले देखिए नंबर उसमें है। नंबर तो है नहीं इसमें, तो फिर आप दोबारा कैसे उनसे संपर्क कर पाएंगे? तो गुप्ता जी के सौजन्य से तो इसका आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आप इन्हें परेशानी देंगे? ये तो बेचारे इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, निःशुल्क आयोजन हो रहा है इटावा में, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप डॉक्टर साहब का नंबर ले लीजिए ना, उनसे सर अपना नंबर दे दीजिए, ये आपकी जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार दीक्षित जी, आप नंबर लीजिए। और इसलिए कि आपको कभी सपोज कीजिए आपने दवा खाई, आपको कोई परेशानी, तो आप तो संपर्क तो कर सकेंगे, कंसल्ट तो कर लेंगे डॉक्टर साहब से, जागरूकता के लिए। ठीक है, तो वैसे आप संतुष्ट हैं इनकी सेवा से? लगा तो है नहीं, ये नहीं, आपका शरीर तो है, आपके शरीर का ये कोई बात नहीं हुई कि लगा कुछ नहीं, आपको दिक्कत हो जाए फिर, आपका शरीर अनमोल है, इसका मोल समझिए कि हमें कुछ लगा नहीं, कोई जहर भी दे देगी, हमें तो कुछ लगा नहीं, हम तो जहर खा लेंगे, हमारा लगा गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। आप जाइए सर, डॉक्टर साहब से उनका नंबर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये तो दिन में एक बार, देखिए हमारे शहर इटावा में आज निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे लोगों का मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो शिविर का आयोजन किया गया है, ये राम शरण गुप्ता जी के सौजन्य से किया गया है। तो डॉक्टर साहब बताइए, इसमें किन किन लोगों का इलाज हो रहा है? नेत्र परीक्षा हो रही है, दंत परीक्षा हो रही है, जनरल बॉडी की चेकअप हो रही है, होता है। अच्छा, तो ये मतलब इटावा में पहली बार हो रहा है कि इसके और भी इससे पहले भी कभी हुआ है? पिछले एक महीने से हो रहा है इटावा में, हर जगह पे।
एक महीने से आप इटावा में हैं? एक महीने से हम लोग इटावा में हैं। मतलब पूरे इटावा डिस्ट्रिक्ट में सब जगह कर रहे हैं, भरतना हो गया से और ब्लॉक ब्लॉक बाय ब्लॉक कर रहे हैं कि नहीं? मतलब चार नंबर दवाई हर जगह जगह पे लग रहा है, मतलब जैसे भरतना चला हुआ फिर अपना खत्म हो जाएगा पक्का तालाब में हुआ था पूरा दवाई खरीद लीजिए, उसी तरह मतलब जगह जगह पे कैंप लग रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले में। तो मतलब लोगों का इसमें निःशुल्क इलाज किया जा रहा है कि जांच की जा रही है? निःशुल्क जांच की जा रही है, जिनको दवाई की जरूरत है उस चीज़ जो दवाई हम लोग दे सकते हैं वो यहाँ से दी भी जाती है उनको दवाई, जिनको सिर्फ पास का चश्मा का जरूरत है तो उनको पास के चश्मे भी दिए जाते हैं। और अगर जैसे किन किन रोगों का इलाज है आपके? हर तरह के रोगों की इलाज है, ऑपरेशन नहीं हो सकता, उनको ऑपरेशन की मतलब जरूरत रहती है उनको बताया जाता है, उनको बाहर रेफर कर दिया जाता है, बाहर उठने मतलब अपने आप उनको बता देंगे कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, आप कहीं भी कराइए कहीं भी कराइए कोई लेना नहीं। और दांतों का है? दांतों का है, फिर अपना हार्ट के लिए ईसीजी एक्सरे की जरूरत है, ईसीजी एक्सरे है। तो जैसे कोई गंभीर समस्या है तो आप बोल देंगे आप बाहर दिखा सकते हैं, क्योंकि वो गंभीर समस्या एक दिन में सब समाधान नहीं हो सकता है। तो ये आपकी एम्बुलेंस सेवा है? ये मोबाइल से चलती फिरती चलती फिरती हॉस्पिटल। तो ये कहाँ का है वैसे? ये कलकत्ता से है, कलकत्ता शहर से। इसके कौन वो हैं, इसके इसके किन के मतलब? रमेश गोयल सेवा संस्था द्वारा ये बस चल रही है। तो ये पूरे देश में चल रही है कि इटावा मतलब चिन्हित पूरे यूपी में? पूरे पूरे भारत में चल रही है, पूरे भारत में चल रही है। पिछले वर्ष जैसे हम लोग राजस्थान बिहार ये सब करते हुए अभी इधर यूपी तक आए हैं, आगे भी देखिए राजस्थान दिल्ली और का प्रोग्राम है। तो आपके कोई इसका कोई टूर की कोई समय सीमा है कि ऐसे मतलब चलता रहेगा पूरे यूपी का भ्रमण करना है? चलते रहेगा, कोई कोई सेवा और नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई कुछ नहीं, निःशुल्क। तो ऐसा अच्छा आप तो मतलब ऐसा क्या है सर जो आप लोग मतलब इसमें किन लोगों का इलाज होता है, गरीबों का या पैसा? एकदम जो नीडी पीपल है जो एकदम गरीब है उन्हीं का किया जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, सभी सब जगह तो सब कुछ पहुँच नहीं सकते, गरीब लोग सब जगह इलाज करा नहीं सकते। लेकिन आप सर शहरों शहरों में तो हैं, आप गांव में या कोई बोले ब्लॉक स्तर पर जाइए या गांव स्तर पर जाइए तो वहाँ नहीं जाते हैं लोग? जाते हैं, मतलब जैसे जैसे जहाँ जैसे अपने पहले सुरराज में गुप्ता बताया गया जो रामचंद्र गुप्ता जी के सोजने से वो जहाँ जहाँ भेज देते हैं जहाँ जहाँ वो लगाते कैंप वहाँ वहाँ उन लोग चले जाते हैं। चलिए ठीक है सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर हार्दिक गगलानी, डॉक्टर हार्दिक गगलानी जी और आई स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि पूरे भारत में ये बस सेवा जा रही है और जहाँ पे गरीबों का इलाज मुफ्त बिल्कुल निःशुल्क में कर रही है। तो कैमरामैन गौरव कुमार के साथ देवेंद्र सिंह, सी न्यूज़ भारत, इटावा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।